नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी लेना चाहूँगा जो बिगिनर्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और मैं आपको सबसे पहले बहुत ही थैंकफुल हूँ कि कल सभी ने अपने नाम बताए, एज बताई और कब से उन्हें मैं ज्वाइन करा है, ये देख के हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। और इसी के हिसाब से अब हम लोग लर्निंग वीडियो भी आपके लिए लाते रहेंगे। और प्लीज़ देखिएगा, जब तक आपकी लर्निंग स्ट्रांग नहीं हो जाती तब तक आपको इंट्राडे नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, सर मेरा लॉस हो रहा है, लगातार मेरा लॉस हो रहा है। तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से, यानी कि कम से कम 1000 लोगों से लगातार ये पूछा कि उन्हें लॉस क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि सर हमें 15 दिन ज्वाइन हुए हैं, या फिर हमें 10 दिन से मार्केट में हैं, 20 दिन से मार्केट में हैं। तो देखिएगा, 10 15 20 दिन में अगर आप इंट्राडे करेंगे तो आपको लॉस ही होगा, कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि इंट्राडे इज अ गेम ऑफ लर्निंग। इंट्राडे बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जो लास्ट चीज़ है वो आप पहले कर ले रहे हैं, तो आप कहाँ से सीख पाएंगे। पहले आपको देखिएगा फर्स्ट क्लास पढ़ना होता है, फिर सेकंड क्लास पढ़ना होता है, फिर थर्ड क्लास पढ़ना होता है। अब आप कह दो नहीं, थर्ड क्लास का सिलेबस मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको डिफिकल्टी भी फेस होगी और देन आफ्टर दैट आपके लॉसेस भी होंगे और आपका कैपिटल भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे बिगिनर से कहना चाहता हूँ कि जबरदस्ती ना करें इंट्राडे के लिए, आप स्विंग ट्रेड पर फोकस करें, शॉर्ट टर्म ट्रेड पर फोकस करें, इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। लेकिन जब सीख जाएं आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, तब आपका एग्जीक्यूशन आना शुरू हो जाएगा। तब तक पेपर ट्रेडिंग करें, जबरदस्ती बिल्कुल भी मत करें, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू लर्न। अगर जो चीज़ें सालों में सीखने में आती हैं, अगर आपको 2 दिन में ही आ जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, इनजस्टिस होगा, यानी कि पूरी तरीके से आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो यही प्रॉब्लम है, इस समस्या पर आप ही काम कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग करके। अब बात करेंगे आज सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड कहाँ मिला। बहुत लोगों ने आज गलती करी, एक जो बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ कि निफ्टी फार्मा में अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग कहाँ पे हुई है, 157 पे ओपनिंग हुई है। देन निफ्टी फार्मा ने क्या बनाया, एक हाई बनाया और उसके बाद इसने लो बनाया है 14,000 के आसपास। अब देखिएगा, निफ्टी फार्मा जब ओपन हुआ तो क्या हुआ, वहां पर गैप अप ओपनिंग हुई सन फार्मा में। अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा में क्या हुई, गैप अप ओपनिंग हुई। और गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या बताया था हमने कि जब गैप अप ओपनिंग होगी इंडेक्स को फॉलो करिए, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तुरंत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिन लोगों ने बात को याद रखा था उन्होंने प्रॉफिट बना लिया विद इन 15 मिनट्स और वो एग्जिट हो गए, उन्होंने ऐप को क्लोज कर दिया। बहुत सारे लोगों ने इसका वेट किया और फार्मा को फोकस नहीं करा, इंडेक्स को फोकस नहीं करा। और देन आफ्टर दैट बहुत सारे लोगों ने कहा सर 700 पे लिया है, सर 702 पे लिया है, सर 600 पे लिया है। ये सर देखिएगा, आपको प्लीज पूरी प्रॉपर लर्निंग है, ये इंट्राडे है, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहां पे टाइम मिलेगा, आपको आप किसी भी टाइम ट्रेड ले लो, आपको बस वो भाव कम हो गया तो आपने ट्रेड ले लिया, ये सब नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल बकायदा बताया जाता है, इंडेक्स खोल के बैठिए, वो स्टॉक खोल के बैठिए, उस सेक्टर के स्टॉक्स को खोल के बैठिए, लीडर स्टॉक को खोल के बैठिए, देन आफ्टर दैट मूवमेंट आपको ट्रैक कर पाएंगे आपकी किधर मूवमेंट आ रहा है। तो उसके बाद जिन लोगों ने शॉर्ट सेल करी तो उनको बहुत बढ़िया लेवल देखने को मिले, 694 का लो बनाया था स्टॉक ने। तो यही सब चीज़ें कहते हैं कि आप जब तक इंडेक्स के साथ प्रॉपर लर्निंग नहीं करोगे तब तक आपको लॉस होते रहेंगे। तो यहाँ पर तो ट्रेड अच्छा बना। सेम चीज़ अगर आप बात करेंगे निफ्टी ऑटो में भी, तो निफ्टी ऑटो में आज ज़्यादा कोई तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन शुरुआती दौर में काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली और आपको एक ट्रेड बहुत जल्दी मिल गया था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ओपन हुआ 236 पर, 235 का लो बनाया है स्टॉक ने, क्या बनाया मदरसन सूमी ने, 235 का लो बनाया। मैंने बताया था 235 के ऊपर सर्वाइव करेगा तो आपको लेवल देखने को मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस 238, आपको देखने को मिला 238 का लेवल, वहीं पर ट्रेड हो गया था। 2% की तेजी आपको देखने को मिल रही थी और फिर वहीं से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई और आपको 230 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि आपकी टाइमिंग, आपकी एग्जीक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्राडे में। इसीलिए देखिएगा, जो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया कि 11:45 पर मूव आएगा, ट्रेंड रिवर्स होंगे, तो बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स थे वो कह रहे थे सर आपको ऐसे कैसे पता चल गया, सर किस तरीके से आप स्टडी करते हो। तो देखिएगा, ये सब चीजें होती हैं टाइमिंग, जब आप लगातार मार्केट में बैठे रहते हो और मार्केट को वॉच करते रहते हो तो आप समझने लगते हो कि कब ट्रेंड बदलने वाला है, कब ट्रेंड्स बदलेंगे, ये एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शंस होते हैं। तो इन सब चीजों को आपको टाइम देना पड़ेगा जब आप चार्ट्स के साथ इंट्राडे करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कल के लिए मैं चलूंगा निफ्टी बैंक के साथ, कल के लिए मैं चलूंगा देखिएगा निफ्टी बैंक।
तो कल आपको निफ्टी बैंक पे फोकस करना है, निफ्टी बैंक किस तरीके से मूव करता है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने 35K के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो अगर यहां से कॉन्टिन्यूटी बरकरार रहती है तो आपको फोकस करना है इंडसइंड बैंक पे। इंडसइंड बैंक पे अगर ये स्टॉक 1005 के ऊपर बना रहता है तो, और निफ्टी बैंक में तेजी आती है तो पहला लेवल होगा 1012 का, 1012 का पहला लेवल होगा और दूसरा लेवल होगा 1017 का। तो ये होंगे रेजिस्टेंस कल के लिए स्टॉक के लिए, अगर ये 1005 के ऊपर बना रहता है और निफ्टी बैंक 35,200 की तरफ बढ़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैप अप ओपनिंग हो जाए तो वेट करिएगा, या फिर अगर आपको गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तब आप इंडसइंड बैंक में शॉर्ट सेल कर सकते हैं। फिर से देखिएगा, गैप अप ओपनिंग हुई और निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आई तो तुरंत आप इंडसइंड बैंक को शॉर्ट सेल कर सकते हैं, आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे और वहां पर सौदा एग्जिट कर देना है। लेकिन अगर ये स्टॉक फिर से 1000 के नीचे जाता है और निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है तो मैंने आपको कई बार ये लेवल बताया 995 और 990, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, वरना 99982 ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कल आपको इंडसइंड बैंक पे फिर से फोकस करना है। सेकेंड स्टॉक जो मैं लूंगा वो लूंगा एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में बढ़िया मूव आया है, देखेंगे 750 की क्लोजिंग देखने को मिली है। यही लेवल मैं देख रहा हूं कि देखिएगा, ये स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कोरिलेट करता है बैंक निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी के साथ बहुत बढ़िया कोरिलेशन रहता है स्टॉक का। तो अगर 750 बरकरार रहता है, चूंकि ये बहुत दिनों बाद टूटा है और ये लेवल भी आपको बहुत दिनों बाद देखने को मिला है, 750 अगर देखिएगा इसके ऊपर सर्वाइव करता है और बढ़िया मूव आ रहा है निफ्टी बैंक में, तो 755 और 760 प्लस आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, 15 पॉइंट्स का मूव ये स्टॉक आपको दे दे, क्योंकि बहुत आराम से 15 पॉइंट्स का मूव देता है। बट अगर ये स्टॉक चला जाए 745 के नीचे फिर से, तो आपको करना क्या है, फोकस करना है फिर से 740 और 737 के आसपास, 737 के आसपास इन पर्टिकुलर लेवल्स पे आपको क्या करना है, फोकस करना है कल के लिए। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इन दोनों स्टॉक्स पे फोकस करें, क्योंकि वोलेटिलिटी भी आपको मिलेगी, निफ्टी बैंक में भी कल वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो काफी बढ़िया बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको लालच नहीं करना है, 1.5 से 2% इज इनफ इन इंट्राडे, वहां पर सौदा हो जाता है, काट दीजिए वो, आप तुरंत एग्जिट कर लीजिए। अगर आपसे अपॉर्चुनिटी टूट गई है, छूट चुकी है, तो आपको क्या करना है, तुरंत वहां से अवॉइड कर देना है ट्रेड को, क्योंकि आप पता है जबरदस्ती अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, जबरदस्ती ट्रेड बनाएंगे तो आपको लॉस होगा। और बिगिनर्स को तो मैंने बता ही दिया कि उन्हें क्या करना है नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।